जिले से है जहां रेंजर और प्राचार्य की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने पौधारोपण किया। दरअसल पूरे देश में चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शनिवार को छतरपुर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक दो में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छतरपुर रेंजर रजत तोमर और प्राचार्य एस के उपाध्याय की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण करते हुए पौधे की सुरक्षा और देखभाल की शपथ ली। वहीं दूसरी ओर विद्यालय नंबर दो में भी प्रभारी प्राचार्य राजीव श्रीवास्तव की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने पौधारोपण किया। आज नंबर दो विद्यालय में विभाग के द्वारा श्री रजत जी तोमर जी के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बच्चे, पूरा स्टाफ, उनके गार्जियंस, उनकी माँ पेड़ लगाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। यहाँ लगभग 40 पेड़ लगाए गए हैं, उनके लिए गड्ढे खुदवाए गए हैं, तो पानी वगैरह की सारी व्यवस्था की गई है। इन पेड़ों को बिल्कुल बच्चों की तरीके से पाला पोसा जाएगा, इनमें रोज़ पानी दिया जाएगा, ट्री गार्ड लगाए जाएंगे और इनकी सुरक्षा का उन्हीं बच्चों को दिया पेड़ लगाए। आज हमारे जिला वनमंडल अधिकारियों द्वारा विद्यालय के ग्राउंड में बहुत सारे पेड़ों का पौधारोपण किया गया। एक पेड़ माँ के नाम से ये कार्यक्रम है, इसमें सभी बच्चों ने मिल करके एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है और ये संकल्प लिया है कि हम इसको पेड़ को पूरी तरह से जीवित रखेंगे और वायुदूत में उसका रजिस्ट्रेशन करा के जब वो पेड़ बड़ा होगा तब ही प्राप्त करेंगे। आज नंबर एक स्कूल में हमारे द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों को एक एक पेड़ दिया गया, जिसमें अपने माँ के नाम से वो पेड़ लगाएं और उसको सुरक्षित रखें, उसको पोषित करें, पल्लवित करके एक वृक्ष के रूप में उसको बड़ा करने का संकल्प लें। तो इसी के तहत आज हमारे द्वारा लगभग 50 पेड़ यहाँ नंबर एक में लगवाए हैं। सारे पेड़ जो हैं वो मिश्रित प्रजाति के हैं, इनसे फूल और फलदार पौधे ज़्यादा हैं ताकि इनसे बायोडाइवर्सिटी को भी फ़ायदा रहे।